गाइस, सो सेम डे में अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और वो सेम डे ऐसा है कि घर पे गए थे हम, मतलब घर पे, सॉरी घर पे बोल रहा हूँ, होटल पे गए थे जहाँ पे हमने मतलब स्टे लिया हुआ है, वहाँ पे गए थे वापस, और थोड़ा सा फ्रेश हो गए हूँ, मतलब थोड़ा सा फ्रेश हो गया हूँ मैं, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी तो ठंडे पानी से नहा लिया मैंने अच्छे से, और उसके बाद फ्रेश होने के बाद और निकले कि मतलब एटलीस्ट जो वाइब होती है सिटी वाइब लेने के लिए। अभी मेन मेन स्टेशन जो है, मतलब स्टेशन नहीं, मेन मेन जो जहाँ पे हमको जाना था राइट, तो वो तो हम घूम लिए, बट अभी सिटी की जो वाइब होती है वो भी एक उसकी बात अलग होती है, तो अभी वही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। तो चलो धीरे धीरे अंधेरा होने वाला है यहाँ पे, 9 बजे तक तो अंधेरा हो जाएगा, अभी तो 2-3 घंटे, बट ये टूरिस्ट प्लेस है तो मतलब फुल, और इस टाइम पे तो मतलब हर गलियों में कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग ठूस ठूस के चल रहे हैं, तो मेरे बट ठीक है यार, मज़े आ रहे हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं गाइस अपना व्लॉग, और देखते हैं, और यहाँ से कुछ खा के जाएंगे हम, मतलब आज हमारा प्लान ऐसा है कि जो यहाँ का ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होता है, जो मतलब एक ट्रेडिशनल वे में बनता है, वो हमको ट्राई करना है, और वेनिस आने के बाद अगर हमने वो नहीं खाया तो कुछ मिस हो जाएगा हमसे। तो चलो सबसे पहले उसी का ट्राई है, थोड़ा सा वाइब लेते हैं, उसके बाद खाएंगे, आपको ब्लॉग में आगे दिख ही जाएगा। चलो तो गाइस, अभी हमने कॉफ़ी ले ली है, अभी हमको पता चला है कि हम टेक अवे नहीं कर सकते, तो अभी यही से पीना पड़ेगा, ठीक है, तो हम मिलते हैं कॉफ़ी पीने के बाद। चलो इनको बाय कर दे गाइस। A few moments later. So guys, मेरा कान में ना पड़ गया। Earrings चली गई guys. Okay. गायब हो गई. मतलब पता नहीं. ठीक है, गिर गई होगी कहीं ना कहीं. ओ लहर आती हुई लहर, लहर. वाटर का लेवल आता हुआ, अभी पता कैसे पानी बढ़ेगा, बुढ़ा नहीं बुढ़ा। ट्रेडिशनल पिज्ज़ा खाने के चक्कर में भाग रहे गाइस, बिकॉज हमको ना ऑथेंटिक ही पिज़्ज़ा खाना है, बहुत सारे पिज़्ज़ा देखे हमने बट हमको ऑथेंटिक वाला खाना है, तो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा खाने के चक्कर में अभी भाग रहे अभी देखते अभी हर जगह से भाग तो रहे, बट होपफुली मस्त लगना चाहिए हर जगह पे, हर 5 मिनट में, 5 भी नहीं, हर दूसरी बिल्डिंग पिज्ज़ा वाली गई यहाँ पे, हर दूसरी बिल्डिंग पिज्ज़ा वाली है, मतलब मैंने जिंदगी, मैंने पूरे जर्मनी में इतनी पिज्ज़ा नहीं देखी होगी जितनी मैंने ना इस गली में देख ली है गाइस, सारी 1000 के ऊपर शॉप्स होगी जो कि जिसके अंदर 999 पिज्ज़े वाले होंगे, उसके बाद फिर चॉकलेट्स वाले, और चॉकलेट के बाद आइसक्रीम वाले, जो कि जो आपको बताया था गिलाटो पलाटो ब्लड नहीं गिलाटो, हाँ जिलाटो होता है, गिलाटो होता है, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये गाइस। ये चीज़ भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है पता है, हर जगह का एक मतलब वो एक इम्पोर्टेंस होता है, और इस जगह का तो यही इम्पोर्टेंस है, छोटी गलियाँ, पिज्जेरिया और जिलाटो का आइसक्रीम, ये तीन चीज़ें अगर आपको मिल गई तो आप समझ लो कि One eternity later. Yeah, for 4%. ओके झूठ बोलो, सो 5 मिनट का वेट करने को बोला है, ऐसा बहुत सारी जगह, हाँ प्लीज कम टू, प्लीज प्लीज कम टू रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट है यहाँ पे वेट करने को बोल दिया भाई, गजब बेइज्जती है, 5 मिनट का वेट करने को बोल दिया, अभी देखते हैं 5 मिनट का वेट। एंटिको कोलोरिटो, हाँ ये देखो एंटिको कोलोरिटो करके, ये ना कंस्ट्रक्शन है ना बराबर में आई हेट आती है मेन ये हम ऊंचा ले ली, ओके गोलोरिटो है
अरे कहना क्या चाहते हो? अरे देखो भाई खतरनाक स्पेलिंग है गोलोरिटो, हाँ नीचे लिखा है गोलोरिटो, ठीक है आंटी को गोलोरिटो करके जिसके गटोलेटो है जिसके 2000 रिव्यूज है आंटी को गटोलेटो, हाँ और इसके पीछे डोम है गाइस, डोम ये देखो डोम, डोम देखा डोम, हाँ डोम, हमको एक डोम देखना था वो डोम डोम देखते देखते रह गया वहां से, बट वाइब अच्छी मतलब पूरा सराउंडिंग अच्छा है इस यहाँ पे। आधे घंटे के बाद टेबल मिल गया, टेबल मिलने के बाद मेनू शोधना है अभी क्योंकि मेनू देने के बाद एक घंटे में आएगा। खतरनाक भूख लग गई मेरे को बट कुछ कर नहीं सकता भाई, अपने आज फेमस है चलो आम फेमस पीला कोला तो खूब जगह देखी हुई, हाँ भाई पब्लिक डिमांड સોડો ઓરેન્જ જ્યુસ એવું કઈ જે સાપતી તે કઈ ગો ના પ્રી વોલોજીક નહીં દે ગો म्हणजे आपण सिद्धी नाही ती वाला पण नाही सभी खतरा ना आपण इंडियन नाही इतली गर्मी तर रही ते पॉवर बँक लेने ती रही काय आहे ते पाच एपर्ट आज भाई कॉम्प्लिमेंटरी चीज मिल चुकी हमको उसका बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है मेरे को। अंदीप ता दे तेल लेके एक काम दे दे एक लो ना काटते तो आप मस्त है, पर कॉम्प्लीमेंट्री इज गुड गए हां वाओ। सो गाइस आफ्टर वेटिंग ऑफ 30 मिनट्स ये जो वेटिंग थी वो सफल है बिकॉज जो ट्रेडिशनल जो यहाँ का पिज्ज़ा है वो मिल गया हमको। वाह दिखने में क्या खतरनाक दिख रहा है भाई, लेकिन एक चीज़ है इसके स्लाइसेस कटी नहीं है, हमको खुद को काटनी पड़ेगी बिकॉज इटली में आप जब पिज़्ज़ा मंगवाते हो ना तो पिज़्ज़ा आपको खुद ही काट के खाना होता है। वाह मैं तो पेलने वाला हूँ उसको अभी, चलो।